हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और मैं भी ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक नहीं, मैं भी ठीक हूँ। आप लोग ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। और उसके बाद मैंने इवनिंग से ही शुरू कर दिया है ये वीडियो। ये अभी रात का ऐसे 7 साढ़े 7 ऐसा ही टाइम था। इसके बाद पहले मैंने डाइनिंग से ही शुरू कर दिया वीडियो बनाना। आप लोगों ने देखा था मेरा किचन का हालत कैसा हो गया था, पूरा तोड़ फोड़ कर डाला था विंडो बनाने के चक्कर में। पूरा घर मतलब धूल मिट्टी से दस्त दस्त हो गया था। उसके बाद मैंने घर का किचन का एक एक सामान को, हमारे पास ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में, ट्यूब वेल मतलब दमकल पंप, हैंड पंप है ना, हैंड पंप के साथ हमारा मोटर फिक्स करके रखा है। मतलब अगर मोटर नहीं होता तो मेरा तो 12 बज जाता। मतलब सामान एक एक को धोना पड़ा, माँजना पड़ा, एक एक को मैंने चमेटा। फिर से देखो ऐसे ही किचन को रख दिया है। और ओपन किचन है, आप जितना भी साफ कर लो ऐसा ही रहेगा। जब तक अलमीरा नहीं बनता ना, तब तक ऐसे ही रहेगा। चलो फिर भी अपना घर, अपना किचन जैसा भी है साफ सुथरा होना चाहिए और साफ सुथरा करके रखना चाहिए, अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने दोपहर को खाना भी बना लिया। खाने के बाद इवनिंग से ही शुरू किया है वीडियो। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को विंडो का हालत। देखो बाहर के टाइप तरफ से मतलब ग्रिल बिठा दिया है, लगा दिया है। और जो विंडो था ना, मिस्त्री लोगों ने गलत बना दिया था। अभी ठीक करके लाएगा, मतलब जब मैं अब भाई सभार कर रही हूँ ना, उसी दिन का रात को आएगा लगाने के लिए। आज का डेट है 25 को आएगा, रात को लगाने आएगा। मतलब कल दुर्गा पूजा का लास्ट डे था ना, वो मूर्ति विसर्जन होता है, इसीलिए टाइम नहीं मिलता था, वो भैया लोगों ने बताया। उसके बाद मैं क्या सोच रही थी ना, मतलब रात के टाइम पर विंडो से मतलब डर भी लग रहा था और हवा भी चल रहा था। मतलब खिड़की नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत तो डर लगता है ना, इतना दिन हमें ऐसे खुले में नहीं रहा। पूरा दीवार था उस साइड में। और अभी मैं एक बात बता रही थी हमजा को, हमजा का एक सीक्रेट बात। हमजा बोले मत बताओ, तो मैं वही उसके साथ बात कर रही थी। और उसको पढ़ाई करने के लिए बोले थे मोबाइल को रखो, पढ़ाई कर लो, अभी मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ अभी। मतलब ऐसे झटपट बनने वाला ढोकला रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, फिर भी खाने का मन हो रहा है तो मैं बिस्तर से उठ के फटाफट आ गई हूँ। रात के 8 बजे हम लोग ढोकला बना रही थी। और ढोकला बनाना बहुत इजी है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालो और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी डाल के नॉर्मल वाटर से मिक्स कर लो। उसके बाद आपको एक इनो वाला पैकेट डाल देना है। मतलब जब आप रेडी टू गो पोजीशन में हो ना, उसी टाइम पर आप इनो पैकेट डालो और घोल लो। उसके बाद बिठा दो स्टीमर में, झटपट बन जाता है। उसके बाद एक तड़का रेडी कर लो, खट्टा मीठा वाला तड़का। और मैंने क्या किया ना, पहले ये छोटा वाला कढ़ाई बिठा दिया। वो जो मेरा थाल है ना, थाल थोड़ा बड़ा था कढ़ाई से, इसीलिए उसको चेंज करना पड़ा। बाद में एक बड़ा वाला कढ़ाई बिठा दिया। आप लोग देखना बाद में मैं क्या कर रही थी। और ये नीचे ऐसे पपाया कैबेज ऐसे रखा था,
और ये बेटी ने सूट किया है थोड़ा बहुत। मेरा बाल का हालत देखो। पहले मैं सोच रही थी कुछ टिफिन बॉक्स के अंदर बनाऊंगी, बाद में सोचा इसमें ही बना लूँगी, ये थाल में अच्छा आएगा। उसके बाद बेटी ने बोला मम्मी बाल बना लो, बाल अच्छा नहीं दिख रहा था। उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में बाल बनाने के लिए, ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऐसे बना लिया है। और पता नहीं आजकल बाल बनाने का मन नहीं होता, हाथ पाँव में मुंह में कुछ लगाने का मन भी नहीं होता, ऐसे ही हमारा चल रहा है। मतलब कहीं कभी मतलब कहीं पे घूमने जाओ तो मन हल्का हो जाता है ना, अच्छा लगता है, मतलब फीलिंग बेटर होता है। हमारा घर के अंदर रहने से ना क्या होता है, आपको कुछ मतलब कुछ भी करने का मन नहीं होता। आप साल भर अंदर ही रहोगे तो फिर कैसे चलेगा ना। हमारा भी ऐसा ही साल हाल हो रहा है साल नहीं हाल, घर में बैठे बैठे। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ और ये सामान लाया है पोते देव ने, ये पान के पत्ता और तामूल को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपारी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, हम लोग तो आसामीस पीपल तामूल बोलते हैं। जो लोग पान खाते हैं ना आसाम में, तो पान का मतलब मेहमान आए तो पहले पान दिया जाता है, पानी पान ऐसे कुछ चाय वगैरह इसे दिया जाता है। उसके बाद मैंने सोचा एक केला खा के देखती हूँ, दिखने में तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद टेस्ट किया तो देखो मुंह का कैसा है मतलब केला ना कच्चा था, थोड़ा सा कच्चा था, ऐसे जीभ को मतलब स्वाद अजीब सा आ रहा था जीभ में, इसीलिए मैंने उसको फेंक दिया, खाया नहीं, ऐसे दो तीन बाइट ले लिया। उसके बाद यहाँ एप्पल लाया है, फिर अभी किचन में आ गई हूँ, पानी उबल रहा है देखो, इसको मैं अभी चेंज करूँगी, ये नहीं होगा ना, बड़ा वाला रखूँगी। उसके बाद पहले हम ये जो थाल ले लिया है ना उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे, आप लोग चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो, घी लगा के आप लोग अच्छे से ग्रीस कर लेना। उसके बाद हम अभी इनो पैकेट को मिला लेंगे, और मेरे पास मतलब हस्बैंड को बोला था ग्रीन वाला इनो पैकेट लाने को, मतलब मिला नहीं, इसीलिए ये ऑरेंज वाला ही लेके आया। पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा खाने में। फिर बाद में बनाने के बाद जब हमने खाया है ना रात को, अच्छा ही लगा फ्लेवर, मतलब ऑरेंज वाला फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चला। उसके बाद देखो एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमा देना है, अब जैसे चम्मच की मदद से, नहीं तो ऐसे विस्कार की मदद से ऐसे घुमा दो और फ्लफी हो जाता है एकदम, पूरा स्पॉन्जी बनता है, इनो की वजह से ही इंस्टेंट ढोकला बनता है। अगर आप लोगों के पास इनो नहीं है ना, आप लोग थोड़ा सा एक चुटकी खाने वाला सोडा है ना वो डाल दो, और बेकिंग सोडा भी साथ में दोनों डाल दो तो अच्छा लगता है खाने में। और मेरे चैनल में पहले दिया हुआ है ये ढोकले का रेसिपी, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना। जो लोग मेरा न्यू व्यूअर्स है, न्यू सब्सक्राइबर है, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
और एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा वीडियो जितना हो सके आप लोग फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर कर देना। और अभी देखो कैसे बाहर हवा चल रहा था ना, स्टीम मुंह में आ रहा था। और ये देखिए, मैंने पहले बताया था ना क्या हो गया था, छोटा पड़ गया था, इसीलिए ये बड़ा वाला कढ़ाई में रख दिया है। और मतलब उसका ढक्कन नहीं था मेरे पास, इसलिए एक थाल रख दिया है ऊपर। उसके ऊपर मैंने कुकर, भारी सामान, कुछ ऐसे सिलबट्टा वगैरह नहीं था मेरे पास, इसीलिए उसको कुकर को ही ऊपर रख दिया। और हमजा इधर क्या कर रहे हैं देखो, ये जो सरसों है ना, राई, इसको देखो लेके खेल रहा है। और सूंघ के भी देखा है, मतलब क्या है, कैसा खुशबू है उसको पता नहीं ना, इसलिए देख रहा है। और साइड में ही मैं अभी बना रही हूँ उसका ढोकले के लिए, पानी बनाना है ना, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ और रिफाइन है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं डाली। आप लोग चाहो तो रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैंने ऐसे 2 चम्मच ऐसे छोटा वाला चम्मच से ही मैंने राई डाल दिया सरसों, उसके बाद करी पत्ता डाल दिया और चिल्ली भी देना था, लेकिन मैं भूल गई, झटपट बना रही थी ना, जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, खाना बनाने के चक्कर में ना भूल गई। उसके बाद मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया। और पानी का मतलब बेसन मैंने नाप के नहीं बनाया था ढोकला, कितना बेसन लिया था मैंने ऐसे अंदाजा से डाल दिया था। और पानी भी 2 ग्लास डाला था, एकदम मतलब परफेक्ट आया था पानी। और आप लोग पानी ज़्यादा ही बनाना, पानी अगर कम हो जाएगा ना बाद में भी आप लोग डाल सकते हो, पानी बहुत सोखता है ये ढोकला। अभी मैं क्या करूँगी, एक बड़ा वाला स्पून लूँगी, उसमें चिल्ली को तड़का लगा दूंगी। और इसमें जाएगा अभी नींबू, ये मेरे पास छोटा वाला नींबू है, इसको एक नींबू निचोड़ के डाल दूंगी। और स्वाद अनुसार नमक भी डालूंगी थोड़ा सा, और चीनी भी डाल दूंगी, एक एक स्पून चीनी डालूंगी और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। और यहाँ देखिए, जब जल्दी में काम करना होता है ना तब ऐसा ही होता है, स्पून सारा हाथ लग के उधर करी पत्ता वाला बाकेट में गिर गया है। उसके बाद मैंने ये बड़ा वाला चम्मच ले लिया है, अभी ढोकला को सेक कर रही हूँ हुआ कि नहीं। ये देखो सारा स्टीम ना मुंह पे आ रहा था, बाहर हवा चल रहा था ना। ये देखो चाकू एकदम साफ सुथरा निकला है, हो गया है हमारा ढोकला। और ये बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप लोग बना के जल्दी खा सकते हो, इंस्टेंट ढोकला है, 15 या 20 मिनट्स में बन जाता है। आप लोगों ने बेटर कैसे बनाया उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैं गरम उठा के फैन के नीचे रख दिया है, बच्चे को खाना है इसीलिए जल्दी ठंडा होना है, इसीलिए इसको ऐसे राउंड एक चक्कू घुमा लिया है राउंड में, उसके बाद ऐसे देखा है, लेकिन थाल बहुत गर्म हो रहा था ना इसीलिए नहीं निकला। उसके बाद मुझे काटना पड़ा, काट के ही मैं एक एक पीस ऐसे डाल दिया है। और आप लोग उल्टा साइड में ही ऐसे पानी डालो, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। और दिखने में कितना अच्छा लग रहा था, कलर भी बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कलर आया था ढोकले का। और मेरा कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मेरा मोबाइल का कैमरा से ही मैं शूट कर रही थी। ये देखो करी पत्ता, हरी मिर्च, और हरी मिर्च ना आप लोग जितना तीखा खाते हो इतना डालो, मैंने ऐसे मतलब गोटा गोटा चाबूत वाला ही डाल दिया।
आप लोग चाहो तो बीच में काट करके दो स्लाइस करके डाल सकते हो। और ढोकला में जो मिर्ची डालता है ना, वो ज़्यादा तीखा वाला नहीं होता, लेकिन हमारे पास तो वो नहीं था ना, इसी को ही इसी में ही काम चला दिया, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। आप लोग एक बाइट ढोकले का ले लो और एक बाइट मिर्ची का ले लो, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। साथ में जो कड़ी पत्ता का और सरसों का जो टेस्ट आता है ना, और खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत ही स्वाद युक्त होता है। और खाना ही मेन होता है ना। आप लोग बताना किस कौन कौन लोग, मतलब किस 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 को ऐसे खाना पसंद है, कौन कौन लोग फूडी हो, आप लोग बताना नीचे कमेंट करके। अभी मैं क्या कुछ बोल रही थी बच्चे को, मैं अभी एक पीस छोटा वाला पीस खा के देख के बता रही हूँ। अभी तक मतलब मैंने डाला है, फिर 2-3 मिनट में कितना एब्जॉर्ब होगा ना, ज़्यादा नहीं होगा, और अभी थोड़ा सा बाकी है। आप लोग ऐसे 10-15 मिनट रख दो, नहीं तो ज़्यादा आधा घंटा रख दो, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे रात के टाइम पर बना के आप लोग फ्रिज में रख दो, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी पी लेगा, ढोकला बहुत पानी पीता है। और हमारा हमजा गया था बाल कटिंग कराने, कल इसका स्कूल है, मतलब 24 को मैं रात को बनाया ढोकला, और 25 को हमजा का स्कूल है, इसीलिए उसने आते ही शुरू कर दिया, बाल कटिंग करा के आ गया, आके ही बोला ढोकला है कि नहीं मेरे लिए, उसके आके ही खाना शुरू कर दिया। देखो बैठने का भी टाइम नहीं है उसके पास, ये देखो अभी कायन खा रही है अभी। तो आज का वीडियो इतना ही था, अगर आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।